मजदूर की बेटी संग छेड़छाड़ व विरोध करने पर पूरे परिवार संग मारपीट का आरोप थाना मक्खनपुर क्षेत्र धौर हिम्मतपुर स्थित एक भट्टे का मामला बताया थाने में दी गई है। तहरीर सभी का कराया गया मेडिकल से जो मक्खनपुर ने बताया मारपीट का मामला। सही तथ्यों के आधार पर होगी विधिक कार्यवाही। एसपी ग्रामीण फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर क्षेत्र धौर हिम्मतपुर स्थित एक भट्टे पर कार्यरत मजदूर की बेटी के साथ छेड़छाड़ व विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप परिवार के मुखिया द्वारा लगाया गया है, जिसको लेकर थाने में तहरीर देते हुए परिवार के सभी लोगों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। बताते चलें कि थाना मक्खनपुर क्षेत्र धौर हिम्मतपुर स्थित रामा देवी भट्टा पर काम कर रही मजदूर की बेटी को आरोप है शौच को जाते समय दबोच लिया। दबोचने के बाद बड़ी बहन को उसने आवाज लगाई तो मां गई तो उसका मुंह दबा लिया। बताया कि बेटी के पिता बचाने गए तो उसके संग भी मारपीट की और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, उसे वह परिवार के अन्य लोगों को चोटें आई। मामले को लेकर थाने में तहरीर दी गई, वहीं सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है। वहीं उप मामले में एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया कि थाना मक्खनपुर में एक ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिकों में एक महिला ने आकर थाने पर बताया है कि उसके साथ कुछ लोग छेड़ खाने की बात कही है। उसके द्वारा जब शिकायत की गई तो उसके साथ केवल मारपीट की गई है। इसमें सही जो मक्खनपुर से बात की तो उनको प्रकरण की जानकारी है। बताया कि मारपीट का मामला है, इसमें सही तथ्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हूँ ईटों का काम करता हूँ साहब, यहाँ पे लेटरिंग करने गई थी लाली तो उसको दाद लिए, दमोच लिया है। दमोचने के बाद एक हमारी बड़ी बहन छूटी जैसे तैसे तो आवाज लगाई, फिर मेरी माँ की उसको दाद मुँह दाब लिया तो फिर हम भी गए तो हमको भी मारा पीटा, कुल्हाड़ी उड़ाड़ी लेके आए थे, 15-20 आदमी थे तो हमको पीट गिरा लिया वहीं पर, पकड़ रहा था वो भी कुल्हाड़ी मार दी। कितने लोगों को मारा आपको? 5 आदमियों को मारा था, लाली को कुल्हाड़ी ही मार दी, हम भागे भागे जब तक चोट लगी है हमको लगी है। एक थाना मक्खनपुर में एक ईंट भट्टे पे काम करने वाले श्रमिकों में एक महिला आके थाने पे बताई है कि उसके साथ कुछ लोग छेड़खानी की बात किए थे, जिसपे उसके द्वारा जब शिकायत की गई तो उसके साथ मारपीट की गई है। इसमें सच्चो मक्खनपुर से बात की गई, उनको प्रकरण की जानकारी है। वो बता रहे हैं कि केवल मारपीट का मामला है और इसमें जो सही तथ्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।